चलिए आज हम क्लास 12 से एडवांस ट्रिग्नोमेट्री देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करिएगा देखो, सबसे पहले आप इसको लिखिए सॉल्यूशन। दिया है आपका टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। रूट क्या करना है, पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया बाप उसको लिखिए टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगर हम इसको एक काम करते हैं, है ना, आंस और हर में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इससे डिवाइडिंग कर दें आंस और हर में तो मेरा यहाँ देखिए बना जाएगा, नीचे भी बना जाएगा। लिखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में साथ डिनोमिनेटर में साथ लिखिए ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम बात कर लें बाबू यहाँ पे तो टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऊपर नीचे आंस आवाज में भाग दीजिए अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बातों को समझिए तो क्या करने वाले हैं, तूफान की तरह से चलिए क्या बात है, नीचे भी ध्यान देखिए नीचे तो क्या होगा आपका बताइए, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें आगे ऊपर भी प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पर लिखिए अब टेन इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसके बीच में लिखेगा, है ना बाबू, इसके बीच में लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखिएगा टेन इनवर्स, है ना। चलिए अब हम इसको एक ही रूट में लिख देते हैं, इस पर भी रूट है इस पर भी रूट है, नीचे ऊपर दोनों जगह। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, तूफान की तरह, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए बाबू टेन इनवर्स वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे भी आ जाइए अंडर रूट बटा
बैन माइनस अंडर रूट बैन माइनस एक्स स्क्वायर बटा बैन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा देर के लिए इसको हम स्टॉप करते हैं, है ना, इसको हम हल कर लेते हैं ऊपर वाला, इसको अभी स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए नाउ अंडर रूट हेयर, ऊपर नीचे देखिए सेम है, किसी एक को हल कर लेते हैं, ऊपर वाला हल कर लेते हैं, इनपुटिंग कर देंगे बाद में। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम बताए थे बाबू कि अगर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट क्या कीजिए, है ना, पुट करने बताए थे कि अगर इस टाइप का रहे वन माइनस एक्स रहे या वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे या वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का रूप रहे तो एक्स स्क्वायर में अगर क्या पुट करिएगा बताइए। कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा, चलिए अगर थीटा का वैल्यू निकालें बाबू इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स और टू इधर जाएगा तो वन बाई टू, वन बाई टू थीटा बराबर पहले कॉस लिया है ना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अभी गुना में इधर जाएगा तो भागा वन बाई टू है ना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं। चलिए अंडर रूट क्या है बाबू आपका, अंडर रूट बैन माइनस cos 2x लिख लीजिए 1 cos 2x cos 2 1 cos 2x बटा 2x बटा 1 प्लस cos 2x cos 2x है ना, x स्क्वायर के स्थान पे हम क्या रख दिए cos cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा समझ रहे हैं ना, सही ना है। हां यहां पर क्या रखे थीटा रखेंगे जी थीटा। चलिए अब बताइए क्या करें, अंडर रूट ध्यान से एक बार फिर से समझा देना चाहेंगे कि अंडर रूट वन में एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या रखें कॉस टू थीटा, अगर इस टाइप का अगर है इस फॉर्म में वन माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर देखकर एक स्क्वायर के स्थान पे क्या पूछ लीजिए कॉस टू थीटा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू तूफान की तरह ध्यान दीजिए, चलिए इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। एक बार लिख दीजिए है ना tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट tan थीटा क्या tan थीटा। अब लाइए अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, क्या आया मेरा tan थीटा। अब लाइए उसको भी चलिए इधर हम साफ कर देते हैं, पढ़िए जब तक नहीं पढ़िएगा जब तक आपका भविष्य नहीं बनने वाला। चलिए देखिए क्या करते हैं हम साफ कर दीजिए। नाउ LHS बराबर नाउ LHS बराबर LHS बराबर क्या चीज मेरा टैन इनवर्स टैन इनवर्स इनटू बैन प्लस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा यही ना था जी हाँ बटा बटा वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्या दीजिए था जी वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या वन प्लस एक्स स्क्वायर मेरी बात को समझिए।
अब देखिए हम इसको हल कर लिए थे, सल्के था ना, वो भी देखिए नीचे ऊपर वही है ना। चलिए अब हम इसको साफ करते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बाबू लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। चलिए बैन प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिखेंगे बताइए, टेन थीटा, टेन थीटा। इसको बताइए क्या लिखेंगे, बैन माइनस टेन थीटा, बैन माइनस टेन थीटा। कितने सिंपल से बन गए है ना, जब तक नहीं पढ़िएगा आपका भविष्य नहीं बनने वाला है, पढ़िएगा तभी कुछ होगा बाबू, नहीं पढ़िएगा ग्रोथ रुक जाएगा आपका, भविष्य रुक जाएगा। पढ़ाया स्टॉप, आप भी दिए कैंसिल, समझ जाइए आप भी रुक गए, लेकिन जिंदा लास्ट रही है। टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा। टेन थीटा लिखने जा रहे हैं हम इसको, मेरी बातों को समझिए कि हम क्या चीज लिखें। टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, वन। वन ऐसा किस लिए कर रहे हैं, फार्मूला बने, फार्मूला बने हैं। टेन ए प्लस बी का क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। इसको भी लिखिए क्या, वन लिखिए माइनस यहाँ पर लिखिए टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू इनटू टेन थीटा वन होता है, तो लिखा हुआ टेन ए थीटा ना आपका, टेन थीटा है ना, ये मेरा टेन थीटा। चलिए देखिए इसका वैल्यू कितना, वन को क्या लिख दिए, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मतलब कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता, वन होता है। ये भी देखिए टेन थीटा ही लिखा हुआ, ऐसा किस लिए लिखे, अगर हम थोड़ा गौर कर ले बाबू, टेन ए प्लस टेन, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन इंटू टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इंटू ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम बात करें क्या आएगा बाबू, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इंटू, टेन इंटू पाई बाई फोर, ये मेरा पाई बाई फोर है, प्लस थीटा, प्लस थीटा। चलिए टेन इनवर्स टेन से जाएगा, ई टेन को मतलब कितना दी, एक बटा टेन, आई टेन है ना, काटिएगा ना ऑटोमेटिक कट जाता है। चलिए एल एच एस बराबर इधर जगह है, चलिए इधर दिखा, इधर इधर, चलिए यहाँ पर एल एच एस बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें बाबू, तो पाई बाई फोर, टेन इनवर्स पाई बाई फोर वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ना हो जाएगा जी, पाई बाई फोर इनवर्स टेन से जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर बचेगा, प्लस थीटा, प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या दी था जी, 1/2, हां 1/2 cos इनवर्स x² ठीक है सर जी, हां यही तो लाना था, ये आपका आरएचएस, आरएचएस है ना, ये आपका क्या आ गया, आरएचएस, आरएचएस प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड ये आपका प्रोवेड हुआ है ना, ये आपका तूफान की तरह प्रोवेड हो गया। हम एक बार कहेंगे बाबू, जब तक नहीं पढ़िएगा जब तक नहीं पढ़िएगा, मेहनत कीजिए, नहीं पढ़िएगा आपका भविष्य रुक जाएगा, आप भी रुक जाइएगा, जिंदा रहिएगा लेकिन कोई काम का नहीं रहिएगा।